हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 द 12 मंथ्स का मैं आज आपको क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चन आंसर्स देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सके। तो इधर कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स दिए गए हैं दोस्तों, जो हार्ड वर्ड्स आपके लेसन्स में आए थे द 12 मंथ्स, तो उसे आप पढ़ लीजिए और नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों, असाइनमेंट 1 हमारा पैसेज इधर से चालू होगा और इधर से खत्म होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इधर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर्स भी दिए गए हैं, वो आप पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट द वर्ड्स दैट कंबाइन टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, देन राइट अदर मीनिंगफुल वर्ड्स दैट बिगिन और एंड विथ। तो दोस्तों, इधर इसका आंसर दिया गया है। इधर ये पहले हमें एक वर्ड दिया गया है जैसे स्टेप मदर, तो हमें पहले ये वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक है हमारा स्टेप और एक मदर। और पहले हमें एक ऐसा मीनिंगफुल वर्ड बनाना है जो स्टेप से चालू होगा, तो वो रहेगा स्टेप डॉटर। फिर दूसरे में हमें क्या करना है, मदर हमें फर्स्ट में यूज कर एक अच्छा मीनिंगफुल वर्ड बनाना है जो है मदरहुड। तो इसी तरह से ये वर्ड्स का आंसर्स इधर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इधर कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनके हमें मीनिंग्स लिखने हैं, वो इधर आपको आंसर्स दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 5 नाउन्स फ्रॉम द पैसेज। तो इधर कुछ 5 नाउन्स दिए गए हैं, इसका भी आंसर दिया गया है। और दोस्तों, इधर ओपन एंडेड क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर्स भी इधर दिया गया है, आप उसे भी पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, ये है असाइनमेंट 2 आपका। इधर अभी इधर से पैसेज चालू होगा और इधर से पैसेज खत्म होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये दो इसके आपको आंसर्स लिखने हैं, दोनों के क्वेश्चन और दोनों के आंसर्स भी दिए गए हैं। ये तो सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, बट इधर कुछ डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं, उसी तरह से आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको 5 नाउंस फाइंड आउट करने हैं पैसेज में, जहाँ से आपका पैसेज दिया गया था उतने ही जगह में से आपको नाउन फाइंड आउट करने हैं, इसका आंसर भी इधर दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ये दो वर्ड है, इसके भी मीनिंग्स इधर दिए गए हैं। और दोस्तों, ये इधर ओपन एंडेड क्वेश्चन दिया गया है, इसका भी आंसर इधर दिया गया है, आप देख के पढ़ लीजिए। और दोस्तों, इधर है हमारा असाइनमेंट 3, इधर से आपका पैसेज चालू होगा और इधर आपका पैसेज खत्म होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको जो दिए गए हैं वो भी आप पढ़ लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड 5 नाउंस फ्रॉम द पैसेज। तो इधर 5 नाउंस भी दिए गए हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो इधर आपको करेक्ट क्या लगाना है, एडजेक्टिव लगाना है, तो इसका आंसर भी दिया गया है। तो दोस्तों, असाइनमेंट 4 है, इधर से आपका पैसेज चालू होगा और इधर आपका पैसेज खत्म होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इधर क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर भी दिए, वो आपको लिखना है और पढ़ लेना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो इधर वर्ड दिए गए हैं और इन दो वर्ड दिए, इनके आपको मीनिंग्स भी इधर दिए गए हैं, ये भी आप पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड 5 नाउंस फ्रॉम द पैसेज। तो ये जो पैसेज में 5 नाउंस इधर दिए गए हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर्म नाउंस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इधर दिए गए हैं, इसके भी ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इसके भी आंसर्स आपको इधर दिए गए हैं, वो आप पढ़ लीजिए। और इधर ओपन एंडेड क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर भी इधर दिया गया है।
तो दोस्तों ये जो हमारा चैप्टर था द 12 मंथ्स, इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे पैसेज वाइज मैंने आपको दे दिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल एडुकेयर।